Now, moving towards our next segment of the program, an exclusive question and answer session, the very famous Ask Asma Shams. इस प्रोग्राम में आप हमारी जमात की अमीरा मोहतरमा अस्मा शम्स साहिबा से सवाल करती हैं और वो आपके सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देती हैं. मिसेज अस्मा शम्स IRO लेडीज इन की प्रेसिडेंट होने के साथ तकवा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं. जितने भी लेडीज प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं वो मैम की जिद्दोजहद का ही नतीजा है और आप ही के जेर निगरानी तमाम प्रोग्राम्स तैयार भी कराए जाते हैं. यूँ तो मैम आपके सवाल के जवाब देती ही रहती हैं, पर जैसा कि माहे रमज़ान चल रहा है तो बहुत सारे सवालात आपके जहनों में होंगे, तो इन सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है. मेरे हाथ में अब सवालों की स्लिप्स भी आ चुकी हैं, तो मैं इनवाइट करती हूँ हर दिल अज़ीज़ मिसेस शम्स को कि वो माइक पर आएँ और आपके सवालों के तशफ़ी बख्श जवाब दें. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز سامعات، سوال و جواب کے سیشن میں آپ کا تہے دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کے سیشن کا پہلا سوال سسٹر شفق کی جانب سے ہے جو کہ بائی پروفیشن ٹیچر ہیں. Is zakat payable on the land if it is acquired with the intention of reselling it in the future? If it is allowed, then when I shall give zakat? Okay, sawal kiya gaya hai ki kya us piece of the land fixed asset par zakat payable hogi jo is intention ke sath is niyat ke sath li gayi hai ki isko farokht kar diya jayega, resell kar diya jayega, aur agar ha to hame zakat कब और कैसे पे करनी होगी. देखिए, जो फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड एसेट है, उस पर ज़कात वाक़ेतन तब ही लगेगी जब इसको लिया गया है रीसेल करने के लिए ट्रेड पर्पज़ से. यानी जिस मकान में हम रह रहे हैं उस पर ज़कात नहीं लगेगी. कोई मकान हमने रेंट पर दिया हुआ है, उसका रेंट आता है वो इस्तेमाल में, उस पर ज़कात नहीं लगेगी. और अगर रेंट पर मकान है और रेंट आता है, उसको हम सेव करते हैं, तो उसका जो कैश हम सेव कर रहे हैं उस पर ज़कात पेएबल होगी. अमाउंट अभी बताते हैं. लेकिन अगर हमने कोई फिक्स एसेट ऐसा लिया हुआ है, कोई पीस ऑफ द लैंड ऐसे ले रखी है प्रॉपर्टी जो रीसेल करने के पर्पस से ही, ट्रेड पर्पस से ही लिया है, तो डेफिनेटली उस पर ज़कात लगेगी. तो ज़कात कितनी लगेगी और कब लगेगी, इसके लिए शरीयत का हुक्म ये है कि जब भी वो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई होगी उस पर जब एक साल गुज़र जाएगा, ल्यूनर ईयर, ठीक है, कमरी साल, एक साल गुज़र जाएगा, तो उस पर ज़कात लगेगी अगर कि अगर से उसकी वैल्यू निसाब तक पहुंचती हो. यानी वो प्लस कैश हो और सब तरह की चीज़ें मिलाकर अगर 85 ग्राम्स गोल्ड के बराबर वो पहुंच जाता हो, उसकी जो सेविंग है सब मिलाकर, तो ज़कात पेएबल होगी और उस पर एक ल्यूनर ईयर गुज़र भी गया हो. तो रमज़ान का इंतज़ार करना मुनासिब नहीं है. जो जब भी इंसान निसाब लेवल पर पहुंचा हो, निसाब लेवल ऑफ ज़कात यही है 85 ग्राम्स गोल्ड के बराबर की सेविंग, जिसको 7.5 तोला सोना कहते हैं, गोल्ड से लेना ज़्यादा मुनासिब है. तो 85 ग्राम्स गोल्ड या 7.5 तोला सोना के बराबर की सेविंग होगी और उस पर एक कमरी साल गुजर गया होगा, तो ज़कात 2.5% की रेट से पेएबल होगी. तो इस तरह से ज़कात अदा की जाएगी और जो प्रॉपर्टी रीसेल करने के लिए ली जाती है उस पर ज़कात पेएबल होती है. उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा.
जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम। नेक्स्ट सवाल भी रमज़ान के मुतालिक ही है। सवाल है, ज़कात किन पर फ़र्ज़ है? और ये सवाल किया गया है सिस्टर सफ़िया की जानिब से, जो कि बाय प्रोफेशन टीचिंग करती हैं। सवाल किया गया है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। ज़कात हर उस इंसान पर जो कि बालिग हो, आक़िल हो, मर्द हो या औरत, जिसके पास सेविंग 85 ग्राम्स गोल्ड के बराबर हो, 7.5 तोला सोने के बराबर सेविंग, इनकम पर ज़कात नहीं है, इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं है। अगर आपके पास 5 करोड़ का मकान है जिसमें आप रहती हैं, उस पर ज़कात नहीं लगेगी। अगर आपके पास 2 करोड़ की गाड़ी है, इस्तेमाल में है, उस पर ज़कात नहीं लगेगी। सेविंग जो है, सेविंग पर ज़कात लगेगी। तो अगर किसी के पास इतनी वेल्थ है इन द फॉर्म ऑफ कैश या गोल्ड या ट्रेड पर्पस की प्रॉपर्टी, सब चीज़ें मिलाकर अगर इतना अमाउंट ऑफ वेल्थ है जो कि 85 ग्राम्स गोल्ड के बराबर वैल्यू जिसकी आ जाती है, और उस पर एक ल्यूनर ईयर गुजर गया है, तो फिर उन सभी लोगों के लिए ज़कात पेबल होगी। अगर ल्यूनर ईयर अभी नहीं गुजरा है लेकिन निसाब लेवल तक पहुंच गया है इंसान, तो जब तक पे नहीं करना है जब तक ल्यूनर ईयर गुजर गया हो। तो जिसके पास मुस्तकिल तौर पर सेविंग है, तो वो सेविंग का अपना एक महीने, साल में एक दिन मुकर्रर कर दे, ताकि उस दिन वो ज़कात को अदा कर दिया करें। ध्यान रहे, ज़कात का जो एसेंस है वो क्या है कि अल्लाह ताला जमा करने के लिए डिसलाइक करते हैं, कि अगर माल बहुत ज़्यादा जमा रहेगा तो क्या होगा कि सोसाइटी में सर्कुलेट नहीं होगा, तो फिर एक तरफ अमीरी बढ़ती चली जाएगी और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती चली जाएगी। तो रुके हुए माल पर यानी सेविंग पर ज़कात है, ना कि इस्तेमाल की हुई चीज़ों पर। और ये डेफिनेटली इसलिए है ताकि सोसाइटी में इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन हो। जब माल निकलकर बाहर जाता है, चाहे कोई चीज़ भी आप ख़रीदें और अपने इस्तेमाल की ही ख़रीदें, माल निकलकर बाहर जाता है तो वो किसी ना किसी के घर तक पहुंचता है, यानी किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, किसी को प्रॉफिट मिलता है, किसी का चूल्हा जलता है। तो माल जब सोसाइटी में सर्कुलेट होता है तो फिर महंगी चीज़ें आपको इस्तेमाल करने पर कोई मसला नहीं है, लेकिन जब उसे इंसान जमा करके रखना शुरू कर देता है तो स्टैग्नेशन से सोसाइटी के दूसरे तबकात गरीब होते चले जाते हैं। तो इसलिए सेविंग पर ज़कात है, और निसाब लेवल पर पहुंचने पर, एक ल्यूनर ईयर गुजर जाने पर। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सिस्टर इफ़त बशीर की तरफ से है, जो कि एक टीचर हैं। सवाल करती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में टोटल 8 रकत नफिल पढ़ते थे, तो अगर हम 8 रकत तरावी पढ़ लें तो क्या तहज्जुद में एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ सकते हैं? बहन का सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 रकत नवाफिल पढ़ा करते थे, तो अगर हमने 8 रकत तरावी पढ़ रही है तो क्या तहज्जुद भी हमें एक्स्ट्रा नफिल पढ़ सकते हैं कि नहीं? बहुत अच्छे सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है। सबसे पहले तो हमें ये नवाफिल और रात के नवाफिल का स्टेटस पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो है क्या। देखिए, आम दिनों में जो हम रात में नमाज़ें पढ़ते हैं उसको यूजुअली कयामुल लैल कहते हैं, या तो फिर हम उसे तहज्जुद कहते हैं। और रात में, एंड नाइट में, इशा के बाद रमज़ान में जो हम नवाफिल पढ़ते हैं उसे यूजुअली हम तरावीह कहते हैं। अब हम ये जान लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत थी रिगार्डिंग दिस। तो ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, और सही बुखारी में और मुस्लिम में, दोनों में है। सही बुखारी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज 11 रकतों से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी रमज़ान और गैर रमज़ान में। तो यहाँ पर बहन का सवाल है, 8 रकत असल में मुमकिन तौर पर उन्होंने वित्र को एक्सक्लूड करके
नवाफिल की बात की है। और जो ये हदीस जाहिर कर रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकतों से ज़ायद नहीं पढ़ते थे रमज़ान और गैर रमज़ान में, इसमें वित्र को इंक्लूड करके मेंशन किया गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत थी कि आप जब एंड नाइट में उठते थे, मतलब ईशा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे, सो रहते थे, और एंड नाइट में उठते थे। एंड नाइट का मकदार क्या है वो आपके नॉलेज में है, सूरा मुज़म्मिल में आपने पढ़ा होगा कि आधी रात आधी से कुछ कम या उस पर से कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफ़ नाइट या हाफ़ से कुछ कम तो कर लें, अगर तो 1/3 रह जाती है, हाफ़ से कुछ बढ़ा लें तो 2/3 हो जाती है, ठीक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रात का इतना बड़ा हिस्सा क़याम करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकतें पढ़ते थे। तो 11 रकतें जो पढ़ी जाती थी उसमें अगर 3 वित्र को अलग करेंगे तो हाँ वो 8 रकतें बनती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था। अब आम मुसलमानों के अमल में ये है कि वो तरावी को समझते हैं कि ईशा के बाद जो नवाफिल पढ़ी जाती है बस वही तरावी है, और फिर तहज्जुद का जो उनका रेगुलर का कॉन्सेप्ट है कि फिर वो तो सो कर उठने के बाद जो पढ़ी जाती है वो तहज्जुद है। नहीं, वो दोनों सब के सब कयामुल लैल है, लेकिन अगर आपने एंड नाइट में पढ़ने के बजाय तरावी को ईशा के जस्ट बाद पढ़ लिया है, ध्यान रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरावी पढ़ने की भी एंड नाइट में थी, ये हमारे प्रैक्टिस से बाहर है ज़्यादातर लोगों के। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड नाइट में ही पढ़ते हैं, सो कर उठ जाते हैं तब पढ़ते हैं तरावी, लेकिन चूँकि जमात में पढ़ने के आसानी के लिए उसको ईशा से एसोसिएट कर दिया गया है, जस्ट आफ्टर ईशा तरावी पढ़ा दी जाती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, वक्त शुरू हो जाता है। तो ईशा के बाद से लेकर सुबह सादिक तक कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन बेहतर टाइम जो है, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक बार सो रहने और फिर उठकर पढ़ने की है। तो अगर किसी ने सोने से पहले तरावी पढ़ ली थी और फिर सो रहा और उठने के बाद यानी सुहूर के लिए उठने पर तहज्जुद भी उसकी प्रैक्टिस में थी, तो वो और नवाफिल पढ़ सकते हैं कि नहीं? हाँ पढ़ सकते हैं। इवन अगर इत्र वित्र पढ़ भी लिया है तो भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो वित्र को लास्ट नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन वित्र भी पढ़ चुके हैं यानी 11 रकत पढ़ के सोए थे, लेकिन हम रात में भी कुछ रकतें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। क्यों? इसकी दलील यह है कि उलमा के नज़दीक जो नवाफिल है उसको उसकी कोई लिमिट नहीं है। नवाफिल ततवा इंसान के ऊपर होता है कि कितना भी वो कर सकता है, ठीक है। फमन ततवा खैरन फहुआ खैरुल्ला, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 184, कि जो अपने से ततवा बढ़ा कर नेकी करना चाहे वो उसके ऊपर है। तो अगर सोने से पहले कुछ रकतें पढ़ी जा चुकी थी, पूरी 11 भी इवन, या तो 8 पढ़ी गई थी तो एंड नाइट में 3 पढ़ लें 11 हो जाएगी, या 11 पूरी पढ़ के सो गए थे तो वापस तहज्जुद के हिसाब में आप फिर से कुछ नवाफिल पढ़ना चाहते हैं तो इट इज़ अलाउड, इट इज़ पॉमिसिबल। ज़्यादातर स्कॉलर्स यही कहते हैं कि वो उसके अलावा और रकतें भी पढ़ सकते हैं, यानी नवाफिल की तादाद कोई लिमिट नहीं करना है, इसलिए उसको भी उसके बाद दोबारा उठकर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझाना अहम लगा, लिहाजा हमने समझा दिया कि ये तीनों अल्फाज, जो तीनों इस्तिलाहात हैं, वो एक्चुअली एक नमाज के लिए हैं। वो क्या? कयामुल लैल, तहज्जुद और तरावीह, ये तीनों इस्तिलाहात रात की नमाज़ों के लिए ही हैं, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जानकर जाने कि वो क्या थी, तो वो 11 रकतें थी रात की नमाज। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर मैम, वाकई ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल था, देखा कितना फ़ायदा होता है सवाल करने का। और ये सवाल हम में से अक्सर के जहन में रहा होगा ना, सवाल किसी एक ने किया और जवाब हर किसी को मिल गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन अनएनोनिमस है, गालिबन बहन अपना नाम नहीं बताना चाह रही होंगी। सवाल है, एक दिन आपने कहा था शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, इसकी तफसीलात फिर किसी दिन बताएंगे। तो आज बताइए प्लीज़ कि अल्लाह ताला ने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए लिबास क्यों कहा है? जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हमने कहा था कि शौहर और बीवी
लिबास हैं उस आयत की हम दर्स दे रहे थे और रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद थी और वो आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। तो उसके मुतालिक हमने कहा था कि रमज़ान का रेलिवेंस बताकर हम आगे बढ़ गए थे और हमने कहा था कि फिर किसी मौके पर बताएंगे, लेकिन आज आप जानना ही चाहती हैं कि शौहर और बीवी को अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए लिबास क्यों कहा है। तो आज तफसीलात बता देते हैं जहाँ तक इंसानों की अक्ल काम करती है। देखिए, लिबास का काम क्या होता है वो हमें गौर करना चाहिए। लिबास का सबसे पहला काम होता है कवर करना, करेक्ट। तो लिबास क्या होता है, हमारे आज़ा को कवर कर देता है और हमारे जिस्म में कुछ ऐप भी होते हैं, इधर उधर फैट होता है, वो सब भी कवर ही हो जाता है, ठीक है। तो शौहर और ये बीवी एक दूसरे के ऐबों को छुपाने वाले होते हैं। स्पाउस के लिए आया ना कि दोनों लोग एक दूसरे के ऐप को छुपाते हैं। बीवियों के लिए आया है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि फसालियातु कानितातुन हाफिजातुल लिलगैब बिमा हाफिज़ल्लाह, कि नेक बीवियाँ तो फरमा बरदार होती हैं और वो गैब में पीछे पीठ पीछे हिफाजत करने वालियाँ छुपाने वालियाँ होती हैं अल्लाह की हिफाजत से। तो बीवी और शौहर एक दूसरे के ऐप पोशी करते हैं और करना चाहिए, ना कि उनके ऐबों को आया करना चाहिए। लिहाजा शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं क्योंकि वो ऐप पोशी करते हैं। लिबास का एक और काम होता है जीनत देना। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 26 में, या बनी आदम कद अनज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम वरीशा, ऐ बनी आदम हमने तुम पर लिबास नाजिल किया ताकि वो तुम्हारे सत्रों को ढके और तुम्हारे लिए मौजब जीनत हो। तो लिबास का काम जीनत देना भी होता है। लिहाजा शौहर और बीवी एक दूसरे को जीनत देते हैं, उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से सज जाती है, संवर जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है, खुशियाँ आ जाती हैं, सैडनेस चली जाती है। तो एक दूसरे के लिए जीनत का भी काम करते हैं। लिबास को जंगी होते हैं जो हिफाजत का काम करते हैं, जैसे कि ज़िराह वगैरह। तो इसी तरह शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए हिफाजत का काम करते हैं। वो हदीस आपने बिल्कुल सुन रखी होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह आधा दीन को महफूज कर देता है। हाँ, यानी शैतान की जो विस्परिंग है गुनाह करने की वो ख़त्म हो जाती है और जायज़ तरीके से इंसान अपने जो टेम्पटेशंस हैं और जो उसके डिज़ायर्स हैं वो जायज़ जगह पे पूरी कर लेता है। इसलिए शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टर होते हैं, उसके दीन को की हिफाजत करने वाले होते हैं। लिबास कुछ सीजनल भी होते हैं जिसके कुछ सीजनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी ओकेजनल। यानी लिबास हमें गर्मी सर्दी और बारिश से बचाते हैं, बचाते कि नहीं बचाते। इसी तरह शौहर और बीवी को एक दूसरे के लिए सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। जब कभी शौहर बाहर से परेशान होकर आए तो बीवी को उसकी गमगुसारी करना चाहिए। जब बीवी मेंसेस में अपसेट है तो शौहर को थोड़ा लीनियंसी देना चाहिए, सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वाही के बाद आए थे, जम मिलूनी कहकर आप बहुत ज़्यादा खौफ में पड़ गए थे। तो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कितनी मोहब्बत से उनकी गमगुसारी की थी और वो अल्फाज तारीखी हैं और सही अल बुखारी की किताबुल वही में दर्ज हैं हदीस नंबर 3 में। कि तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की इतनी गमगुसारी करती है ना, तो ऐसे शौहर और बीवी दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे के मौके पर जब गमगुसारी की ज़रूरत है गमगुसारी करें, जब मोरल डाउन हो रहा है तो मोरल बूस्ट करें, जब इंसान कम हिम्मत हो रहा है परेशान हो रहा है तो उसे हौसला दें, दोनों लोग एक दूसरे के लिए करें। जैसी सिचुएशन हो वैसे सामने वाला डील करें। लिबास को हम अक्सर ही हमेशा ही गंदगी और कीचड़ से बचाते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने स्पाउस को भी हम गंदगी से बचाएं, उसको हक़ की तरफ बुलाएं और उसके अंदर जो वीकनेसेस हों उसको हाइड करें, उसको सब में आया करके उसके किरदार पर गंदगियां ना लगवा दें।
ठीक है, तो हाइड करना चाहिए शोहर बीवी को एक दूसरे की, और उसके अंदर जो कमियाँ उसको दूर करने की कोशिश करे, बचाए, गुनाहों से बचाए और गंदगियों से बचाए एक बीवी अपने शोहर को और शोहर अपनी बीवी को। बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं लिबास से मिलाकर। लिबास हाँ, हम यूजुअली अपने फाइनेंशियल जो हमारी इस्तेदात होती है उसके हिसाब से ख़रीदते हैं ना, जितना हम जितनी दौलत है उतने महंगे और जितनी कम दौलत है उतने सस्ते लिबास लेते हैं। तो हमें जो स्पाउस का सिलेक्शन है वो इस वे में होना चाहिए कि दोनों का सोशल स्टेटस करीब करीब बराबर हो, नहीं तो बहुत इम्बैलेंस आता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सोशल स्ट्रेटा और सोशल स्टेटस का भी ख्याल रखना चाहिए जब कोई शौहर बीवी बनने जा रहे हैं। लिबास हम अपनी फिटिंग के हिसाब से लेते हैं, ना कि कितना भी बड़ा हमारा साइज़ लार्ज है और हम डबल एक्सेल पहनेंगे तो कैसे लगेंगे, ठीक है। तो लिबास चूँकि अपनी फिटिंग के हिसाब से लिए जाते हैं, लिहाजा शौहर और बीवी का जो बड़े लोग चुनाव करते हैं, दोनों शौहर बीवी होने जा रहे हैं, तो उनके कफ वो मिला लेना चाहिए कि उनका मेंटल स्टेटस, उनका स्पिरिचुअल स्टेटस, उनकी थॉट्स, उनकी एजुकेशन, वो उस कुछ मैचिंग है कि नहीं है। बड़ा अफसोस होता है कुछ कपल्स को देखकर कि कभी लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट होती हैं और लड़के सिर्फ 8th क्लास पास होते हैं, और इसका उल्टा भी होता है। लड़के तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आजकल ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि लड़कियां एजुकेटेड हैं और लड़के 5 क्लास पास, 8 क्लास पास, ऐसे होता है। तो क्या होता है जब मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा होता है तो अंडरस्टैंडिंग बनने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जिस तरह हम अपने आउटफिट्स को अपनी फिटिंग का लेना पसंद करते हैं, तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के जो स्पाउस होने वाले हैं उनकी भी फिटिंग देख लें कि उनका मेंटल स्पिरिचुअल लेवल करीब करीब है कि नहीं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, एक बहुत दीनदार है, वो हाई स्पिरिचुअल लेवल पर फाइज है मान लो लड़की, और लड़का बिल्कुल दुनिया परस्त है, वालिदैन ने सिर्फ दौलत कितनी कमाता है देख कर कर दिया, कितना मसला होता है, कितना मसला होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें भी देख लेना चाहिए। और हम लिबास को अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहकर इतनी बड़ी बात कह दिया है, इतनी अहम बात कह दी है कि आप गौर करती जाएंगी और आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे कि लिबास होते हैं शौहर बीवी एक दूसरे के लिए। जैसा कि लिबास और इंसान के दरमियान में कुछ नहीं होता, यानी लिबास सबसे क्लोज होता है उन दोनों के बीच में, इंसान और लिबास के बीच में कुछ नहीं होता, लिबास बहुत क्लोज होता है। और शौहर और बीवी भी इसी तरह बहुत क्लोज होते हैं, और वो बिल्कुल अपने दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहते, यानी शौहर बीवी अपने मामला जो उनके पर्सनल मैटर्स हैं वो नहीं चाहते किसी दूसरे के साथ शेयर हो, तो वो बहुत क्लोज होते हैं। और साथ ही उनकी क्लोजनेस ये भी है कि वो किसी कि एक दूसरे से देर तक दूर नहीं रह सकते, जैसे कि हम लिबास को सिर्फ गुस्ल वगैरह करने की ज़रूरत के अलावा अपने से दूर नहीं रखते, तो शौहर और बीवी भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ये जो आयत है ना जिसके रेफरेंस से हम लोग बात कर रहे हैं, हुन्ना लिबासुल्लकुम अन्तुम लिबासुल्लहुन ना, बकरा की 187, वो बिगन कहाँ से होती है, अहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम, कि रोज़े की रातों में तुम्हें तुम्हारी बीवियों के साथ मुबाशरत करना अल्लाह ने हलाल कर दिया। तो देखा अल्लाह ताला ने भी एक महीने की दूरी नहीं रखी है, रोज़े की रातों में अलाउड है स्पाउस को कि वो एक दूसरे से हमबिस्तर हो सकते हैं, तो वो बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं। लिहाजा आप सोचते जाइए और आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे कि स्पाउस आर लाइक गारमेंट्स, लाइक आउटफिट्स ऑफ ईच अदर। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी सिंबल दिया है ये कहकर कि एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो अपने शौहरों के साथ, आप तो सभी बीवियाँ, मेरा एड्रेस खवातीन से है, तो अपने शौहरों के साथ लिबास का रोल प्ले करें। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा और खुश भी हो गई होंगी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम। इट इज़ अगेन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि है सिस्टर आमिना की जानिब से, जो बाई प्रोफेशन टीचर हैं। सिस्टर सवाल करती हैं
गैर महरम मर्दों से पर्दा करना फ़र्ज़ है, लेकिन नौजवान लड़कों में किस उम्र के लड़कों के सामने जा सकते हैं और कितने साल के लड़कों से पर्दा करना ज़रूरी होगा? बहुत अहम सवाल है कि गैर महरम मर्दों से पर्दा करना फ़र्ज़ है, लेकिन जब ग्रोइंग एज के नौजवान लड़के हों तो किस उम्र से फिर हमारे ऊपर फ़र्ज़ होगा कि हम उनसे पर्दा करें? सी माई बिलवर सिस्टर, कि पर्दा करना फ़र्ज़ है अल्लाह ताला की तरफ से, आपको उसके अहकाम पता होंगे, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या ये नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युद्दीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना युरफ़न फ़ला युदैन, कि ऐ नबी अपनी बीवियों बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दो वो जब भी बाहर जाएं अपना जिलबाब ले लें, अपनी एक आउटर गारमेंट ले लें, ताकि वो पहचानी जाएं और कोई उन्हें ना सताए, कोई उनकी इज्जत से ना खेले, ये उनके लिए बेहतर है। तो इस आयत की रोशनी में हिजाब, एक आउटर गारमेंट लेना फ़र्ज़ है। अब ये इस पे सब लोगों के नॉलेज में है कि गैर महरम के सामने पर्दा करना फ़र्ज़ है। अब रही बात ये कि जब बच्चों के सामने तो नहीं फ़र्ज़ है, तो फिर बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो किस एज से फ़र्ज़ हो जाएगा? तो यू नो माय डियर सिस्टर, एज के हिसाब से पर्दे की फ़र्जियत नहीं रखी गई है। कुरान हकीम ने जो एड्रेस किया है इस मौजू को, वो है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में स्टार्टिंग होती है बात की यहाँ से, कि कुल लिल मोमिनाते यगदुसना मिन अबसारहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, कि मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को बचा कर रखें और अपनी असमत में फ़र्क ना आने दें। और फिर हिजाब के अहकाम है और एक लंबी लिस्ट है महरम लोगों की, कि अपनी जीनत को किसी को भी ना दिखाएं सिवाय इसके अपने वालिद के, अपने बेटों के, अपने शौहर के वालिद के, और पूरे महरम की लंबी लिस्ट है। उस लिस्ट के ख़त्म होने से पहले पहले ये क्राइटेरियन आया है, अविद तिफ्लिल लदीना लम यज़हरु अला अवरातिन निसा, कि और वो लड़के जो अभी वो बच्चे तिफ्ल वर्ड आया है, और वो बच्चे जो अभी ख़वातीन की पोशीदा बातों से वाकिफ नहीं हैं, यानी जिनसे पर्दा एक्स्ट्रा करना ज़रूरी नहीं, सत्र तो ढका ही रहेगा सबके सामने। बात यह है कि जो ज़ेबो ज़ीनत है उस पर एक आउटर गारमेंट जो लेना है, जिसको हम लोग नकाब कहते हैं, पुरानी इस्तिलाह वो है जिलबाब की, ये सबसे आप लोग वाकिफ़ हैं। तो जिलबाब किनके सामने नहीं लेना जायज़ है, तो उसमें कहा गया वो बच्चे जो अभी ख़वातीन की पोशीदा बातों से वाकिफ नहीं हैं, यानी आपको हिजाब जिलबाब अलग से करने की ज़रूरत सिर्फ उन लड़कों उन बच्चों से नहीं है जो लेडीज़ के बारे में जो चीज़ें छुपाई जाती हैं वो चीज़ें अभी वाकिफ नहीं हैं। अब आप हमको ये बताइए कि ये इंटरनेट एज और इंफॉर्मेशन एज में कितने साल के बच्चे ख़वातीन की बातों से वाकिफ हो जाते हैं, आप लोग बताइए जल्दी से। 10 साल बहुत ज़्यादा है मेरी बहन, आप किस गलत फहमी में हैं? आजकल 6-7 साल के बच्चे सारी चीज़ जानते हैं, बिलीव मी। अपने बच्चों को के बारे में आप पीछे वाली बातें नहीं जानते ना, थोड़ा सा इंटरनेट पे जाइए सर्चिंग करिए। आप 10 साल एज बता रही हैं माय बिलवर्ड सिस्टर, इंटरनेट पर जो पोर्न वेबसाइट्स हैं उसके 10% से ज़्यादा के विजिटर्स 10 साल से कम के बच्चे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10 साल पूरे जितने लोग देखते हैं उसमें 10% जो विजिटर्स हैं वो अभी 10 के नहीं हुए हैं, 7-8-6 के बच्चे, साल के उम्र के बच्चे पोर्न वेबसाइट देखते हैं, कहाँ से वाकिफ नहीं होंगे बताइए। अब ये हमें और आपको खुद अपने लिए तय करना है कि हम कितने साल के बच्चे से पर्दा करें, क्योंकि अब तो 6 साल के भी बच्चे ऐसी नज़र नहीं रखते कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है।
उन्हें तो 6, 7, और 8 के बच्चों को भी मालूम है, लिहाजा उन सभी बच्चों से जो कि गैर महरम हैं, महरम से नहीं, अपना बेटा होगा, भांजा होगा, भतीजा होगा, जिलबाब लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गैर महरम बच्चे हैं वो इवन आज के दौर में बता रहे हैं, हम कोई फतवा नहीं दे रहे हैं, हम बिल्कुल कुरान से मैच करा के और कंटेम्प्रेरी एरा को आपको मैच करा के बता रहे हैं। कुरान ने कहा है, उम्र नहीं बताया, यानी आप ये नहीं समझिए कि बालिग हो जाने के बाद पर्दा ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए कोई लड़का बालिग होता है 13 साल की उम्र में, लेकिन वो ख़वातीन की पोशीदा बातों से वाकिफ था 7 साल की उम्र में, तो 7 की उम्र में इस हमें उससे पर्दा करना चाहिए, यू नो। तो ये कहा है कुरान ने, बालिग होना कोई शर्त नहीं है लड़कों से पर्दा करने की, शर्त यह है कि जब तक वो नावाकिफ़ हैं लेडीज़ के कुछ सीक्रेट मैटर्स से, तब तक नहीं भी करें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वो वाकिफ़ हो जाएं तो फिर उनसे पर्दा करना चाहिए। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम, आप सभी के सवालों को सुनकर ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आप सब टूवर्ड्स दीन कितनी फ़िक्रमंद हैं, और आप सब मुसलसल कोशिश करें हैं कि कैसे आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा बन जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बामल मुस्लिमा बना दे। तो इसी के सबब IRO मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद करती है और उम्मत को खैर की जानिब रागिब करने के लिए और क़ुरान से हमारे ताल्लुक को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज लॉन्च करती रहती है। इसी के तहत एक अनाउंसमेंट है कि इस समर्स भी हमारी तंजीम यानी कि IERO तजवीद क्लासेस, अरबिक कोर्स और तरबियतुल बनात क्लासेस आपके दरमियान ला रही है। सो स्टे इन टच विद अस फॉर फर्दर डिटेल्स, ताकि इन तमाम कोर्सेज से मुतालिक डिटेल्स और तफसीलात आपको वक्त आने पर मिल जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि है सिस्टर नुजहत फातिमा का, जो कि बाय प्रोफेशन होम मेकर हैं। बहन सवाल करती हैं, आजकल लोग अपनी कोई भी अचीवमेंट्स या खुशियां सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों में आम कर देते हैं, क्या ये सही है? मैंने सुना है अपनी नेमतों को पब्लिक नहीं करना चाहिए और छुपा कर रखना चाहिए, आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा और कॉमनली किए जाने वाले काम पर सवाल किया गया है। सवाल है कि आजकल लोग अपने अचीवमेंट्स और खुशियां सब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पब्लिक कर देते हैं, और हमने सुन रखा है कि अपनी ब्लेसिंग्स को जो अल्लाह ने दी हो नियामत है उसको हाइड करके रखना चाहिए, तो क्या ये सही है? देखिए बहन, ये जो चलन चल पड़ा है ना सोशल मीडिया पे, हर एक चीज़ उठा के अपलोड कर देना, हर एक चीज़, ये नहायत मकरूह अमल है और बहुत सारे केसेस में तो बहुत सारी हराम चीज़ें भी हो रही हैं। रही बात आपका जो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, अपनी नियमतें जो हैं अल्लाह ने जो दी हैं, जो खुशियाँ दी हैं, जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ने दी हैं, उसको टाइम टू टाइम अपलोड करना कि कहीं घूमने गए हैं हस्बैंड के साथ, बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं, तो उठा के सीधा व्हाट्सएप स्टेटस पे और वहाँ पर फेसबुक पर, या कोई अवार्ड मिल गया है और कुछ अचीवमेंट मिल गया है, या बेटी ने जो है नीट क्रैक कर लिया है तो सीधा सोशल मीडिया पर, या तो फिर कोई खुशी का मौका है, कोई अल्लाह ने कुछ अता किया है तो वो सब उठाकर सोशल मीडिया के हवाले कि देखो हम कितना खुश हैं। जी हाँ, ये नहीं करना चाहिए और नेमतों को वाक़ईतन छुपाने की ज़रूरत है। रीज़न नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया है, रीज़न नंबर 1 कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसको हाइड करके, गोल्स को अचीव करने में अपनी ही हेल्प करो, क्योंकि लोग हर नेमतों के दिए जाने वाले के साथ हसद करते हैं। लिहाजा जो अल्लाह ने आपको अता किया है, कोई भी खुशियाँ हो या नेमतें और एहसानात हो, तो उसको जब आप सब के दरमियान में खोल के रख देंगी तो क्या होगा, उनमें कई लोग हसद की नज़र से भी देख रहे होंगे।
और हसद करने वाले की हसद से जितना नुकसान हो सकता है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं। लिहाजा हसद से, दूसरों की हसद से अपने को बचाने के लिए अपनी नेमतों को अपने बहुत वेल विशर्स के दरमियान ही डिस्प्ले करना चाहिए कि भाई आपके घर में खुशी आई है, आप अपने भाई और बहन से बताया और अपने बहुत वेल विशर्स से बताया और सबसे नहीं जाहिर किया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी नेमतों को नज़र लगने और हसद की नज़र से आपको नुकसान पहुंचने से आप बचेंगी। आपको पता ही है कि इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स और खुशियां मिलने के बाद हम पूरा जो है दुनिया का दौरा करके आए, इतना खुश दिखा रहे हैं, थोड़ी दिन के बाद जो है डिप्रेशन होने लगा और एंजाइटी होने लगी। क्यों होने लगी? किसी की हसद की नज़र लग गई होगी, समझ रहे हैं। तो हाइड ही, कंसील ही करना चाहिए अल्लाह ने जो नियामतें अता की हैं। इसकी कराहत नंबर दो है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टचिंग है। कितनी बार जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपनी सारी नियामतों को पब्लिक में डिस्प्ले कर देते हैं और फिर उनकी भी नज़र पड़ती है उन नियामतों पर जो महरूम तबका होता है। महरूम तबका होता है, डिप्राइव्ड क्लास, यानी चौहर बीवी अपनी खुशियां दिखा रहे हैं, हम कितना खुश हैं एक दूसरे के साथ, और कोई तलाकशुदा उसको देख रही है, कोई बेवा उसको देख रही है। अब आप सोचिए कि उसके दिल कलेजे पे क्या गुजरती होगी। तो जो महरूम तबका है उसे आप बहुत बड़ी सैडनेस में डाल रहे हैं। आपके बच्चों की अचीवमेंट है, किसी के पास औलाद ही नहीं है। तो अगर महरूम तबका देखता है तो उसको बहुत तकलीफ, अगर वो हसद की नज़र इनकेस ना भी डाले तो उसे अब तकलीफ़ पहुंचा देते हैं। ये काम बहुत ज़्यादा हुआ था, फिर हमने इसको एड्रेस भी किया था लॉकडाउन पीरियड में, कोविड लॉकडाउन में। कितने लोग जब सडनली लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन, तो कितने लोग अपनी अपनी जगह फंस गए। आप सबको पता है कितने ही लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, भूख से मरे हैं, और कितने मजदूर जो हैं पैदल सफ़र करने की वजह से रास्ते में चलते चलते मरे हैं। मालूम है ना, सबके नॉलेज में। और जो है एलीट क्लास था और जो हाई अपर मिडिल क्लास था, जिनके पास घर में सारा राशन भरा हुआ था, सब कुछ दुनिया की नियामतें उनके घर के अंदर ही थी, वो खाली घर में पैक हो गए थे। अब रोज़ नए नए डिशेज़ बना रहे हैं, और जो डिशेज़ बनाते थे उसको उठा के व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पे डाल देते थे। हमको रोना आ जाता था कि अभी इनमें से कई ऐसे लोग भी देख रहे होंगे ये स्टेटस जो इनका लगा हुआ है, अच्छे अच्छे खानों का, आज ये ट्राई किया वो ट्राई किया, और खाली हैं तो इतनी डिशेज़ ट्राई कर रहे हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे जिन जो फाके से हैं, एकदम मरने के कगार पर हैं। तो कितनी तकलीफ पहुँचाई हमने उनको, तो हमने उस टाइम पर फिर एड्रेस भी किया था। अब हमने भी अपना स्टेटस लगा के कि एटलीस्ट इस टाइम पर तो ये ना करें। तो हमें दूसरों का कुछ तो दर्द होना चाहिए। तो हम दूसरों को और महरूमी में डाल देते हैं। और यू नो, साइकोलॉजी आज एडवांस हो गई है, ब्रांच ऑफ साइंस हो गई है, और साइकोलॉजी ये कहती है कि जो सबसे अनहैप्पीएस्ट पर्सन होता है वो अपनी हैप्पीनेस को डिस्प्ले करके अपने को हैप्पीएस्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। यानी जो सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योर है अंदर से, सचमुच में खुश नहीं है, वो दुनिया को दिखा रहा है मैं खुश हूँ, ये उसकी इनसिक्योरिटी बोल रही होती है। ये दिस इज़ द साइकोलॉजी, दिस इज़ द साइंस, यू नो। तो ये बहुत कमज़ोरी की अलामत है। अपनी नेमतों को डिस्प्ले करना इंतहा दर्जे की किरदार और अखलाक की कमज़ोरी की अलामत है, इंतहा दर्जे की। बल्कि अल्लाह ने जो नेमतें दिया है उसको कंसील करके रखें, हाइड करके रखें, ताकि ना ही दूसरों की नज़र लगने पाए और ना ही किसी को महरूमी का एहसास हो आपके नेमतों को दिखाने और पब्लिक करने की वजह से। और भी इसकी छोटी छोटी कबाते हैं, लेकिन ये दो बड़ी कबाते हैं, इसलिए हमें जानना इम्पॉर्टेंट था और अच्छा किया कि ये सवाल किया, ताकि हम अपने को चेक करें और हम अपनी ही खुशियों को अपने यहाँ से आग ना लगा लें और दूसरों की खुशियों को भी आग ना लगा दें। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम, बहुत ही अहम पॉइंट्स बताए आपने हमें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इन तमाम नुकात, इन तमाम पॉइंट्स को जहन नशी कर लें
और अपनी आइंदा की ज़िंदगी में इन बातों का ख्याल रखें ताकि हमारी ये नेमतों का हम अपनी नेमतों की जो नुमाइश कर रहे हैं ये रोज़े क़यामत हमारे लिए आजमाइश ना बन जाए। आमीन। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट अलाउड फॉर अ वुमन टू प्रे इन विमेन ओनली कॉन्ग्रीगेशन विच इज़ बींग लेड बाई अ वुमन इमाम। सवाल है सिस्टर निमरा अफजल की जानिब से जो कि बाई प्रोफेशन टीचर हैं। सवाल किया गया है क्या एक खातून के लिए ये परमिसेबल है, अलाउड है कि वो इमामत करे खवातीन की। मोस्ट ऑफ ऑल स्कॉलर्स, मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स से यस। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खवातीन की प्रेयर लीड करती थी, वो इमामत करती थी, उनके पीछे खवातीन नमाज़ें पढ़ती थीं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा प्रेयर लीड करती थीं, उनके पीछे सिर्फ खवातीन नमाज़ें पढ़ती थीं। और उम्मे वरका रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेल मुअज़्ज़िन प्रोवाइड किया था अज़ान देने के लिए। इससे पता चल रहा है कि उम्मे वरका रज़ियल्लाहु अन्हा भी इमामत करती थी ख़वातीन की, यानी उनको अलाउ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन की प्रेयर लीड करने के लिए और मुअज़्ज़िन एक मेल प्रोवाइड कर दिया। तो ख़वातीन ने ख़वातीन की प्रेयर्स को लीड किया है। तो इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स हैं, कंटेम्प्रेरी हों चाहे एंशंट स्कॉलर्स, वो सभी इस बात को कहते हैं, मेजॉरिटी कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि एक खातून ख़वातीन की इमामत कर सकती है। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम। अगेन ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि सिस्टर अर्शिया अंजुम की जानिब से है, बाई प्रोफेशन टीचर है सिस्टर। सिस्टर सवाल करती हैं, तरावी की नमाज़ किसी दिन छूट जाए तो उसे दूसरे दिन पढ़ें या फिर ना पढ़ें। अच्छा सवाल है, बहन जानना चाहती हैं कि अगर तरावी की नमाज़ छूट जाए तो उसे उसकी कज़ा करनी चाहिए, दूसरे दिन पढ़ना चाहिए कि नहीं। देखिए बहन, तरावी की नमाज़ को आप ज़ाहिर है जो क़यामुल लैल है वित्र के साथ उसको कह रही हैं, तो तरावी छूट जाएगी। तरावी का जो स्टेटस है वो हाईली एंड हाईली रिकमेंडेड सुन्ना है, ठीक है, तो और तो वो फ़र्ज़ नहीं है। तो अगर तरावी छूट जाएगी तो तरावी को आप कज़ा नहीं करेंगी, लेकिन पढ़ें तो बेहतर है, रिकमेंडेड सुन्ना है ना, तो वो पढ़ेंगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो कज़ा नहीं करनी है। लेकिन उसके साथ वित्र भी लगी होगी, तो वित्र के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का अमल ये था कि सहाबा कहते थे कि अगर हमारी वित्र सोने की वजह से छूट जाती थी तो हम सुबह को उसको अदा कर देते, क्योंकि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। तो सिर्फ वित्र छूट गई है तो उसे करेंगे आप, दूसरे दिन उसको पढ़ लेंगे, और पूरी जो नफल की बाकी रकतें हैं उनमें से किसी भी रकत को कज़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वित्र को कज़ा समझ के, वित्र बहुत 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 रिकमेंडेड सुन्नत है जिसको कि कुछ स्कॉलर्स वाजिब भी कहते हैं, तो इसलिए वित्र को हम कज़ा करेंगे लेकिन बाकी रकतों को कज़ा नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम। अगला सवाल सिस्टर रुकैया का है जो कि बाई प्रोफेशन एक टीचर हैं। सिस्टर का सवाल है, इन इशा देयर आर टोटल 17 रका, दैट इज़ आफ्टर वित्र वी हैव टू नफल सला एंड वी ऑल्सो नो दैट आफ्टर वित्र वी शुड नॉट ऑफर एनी सला, देन वॉट अबाउट टू नफल। सवाल किया गया है कि इशा में तो टोटल 17 रकाते हैं और वित्र के बाद भी दो नफल पढ़ी जाती है, तो जब और वित्र के बाद जो दो नफल पढ़ी जाती है लेकिन वित्र के बाद कोई नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, तो उस दो नफल का क्या। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ईशा की 17 रकात है ही नहीं, किसने कहा ईशा की 17 रकात है, ईशा के फर्स्ट 4 है, सिर्फ 4, बस बस ईशा की रकात 4, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक। अब सुन्नत मौकेदा पढ़ना है तो दो और ऐड कर लीजिए, अब कितनी हो गई, 6 हो गई।
सुन्नत गैर मौकदा पढ़ना है तो चार और ऐड कर लीजिए, अब कितनी हो गई, 10 हो गई। अरे आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत वीक है, बोलते जाइए साथ में, अब 10 हो गई, ठीक। और अगर एंड नाइट में नहीं उठने का ख़तरा है तो वित्र को भी इसके साथ आप एसोसिएट कर लेंगे, ठीक है, कि हम चलो पढ़ के सोते हैं, रात में नहीं उठे तो मेरी वित्र चली जाएगी। तो आपने मान लीजिए 3 रकत वित्र में पढ़ना चाहते हैं तो 10 के साथ 3 और ऐड कर लिया, अब कितना हो गया, 13 हो गया, अभी भी 17 नहीं हुआ। तो ईशा की 17 रकतें कहना तो मुनासिब नहीं है, हर नमाजों की अहमियत का अलग से आपको पता होना चाहिए और आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए, ताकि अगर आपका बच्चा, छोटा बच्चा नहीं चाह रहा है कि बहुत सारी 13 रकतें पढ़ें तो उससे कहिए बेटा, छोटा ही है, बेटा 4 रकतों पढ़ लो, 4 रकत ईशा की फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ तो पढ़ लो, पढ़ा सकते हैं आप तरगीब दिलाने के लिए, ठीक। तो ये बात साबित हुई कि एक्चुअली ईशा की 17 रकतें नहीं हैं, वो नवाफिल को ऐड कर दिया गया है बाद में जगह जगह, ताकि वो थोड़ी बात बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो गया, ये 17 रकतों का तो बोझ लद गया, अभी टेंशन हो जाती है आप ख़वातीन को भी और बच्चों को और ज़्यादा, 17 जब पूरा काउंट लेके आते हैं। तो अब आपका जो सवाल है कि वो जो 2 रकातें कहा जाता वित्र आखिरी सलाह है होनी चाहिए और फिर 2 रकातों का क्या, तो हाँ, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आपका रात जो दिन है जो रात ख़त्म हो तो वो ऑड नंबर ऑफ रका पर हो, ठीक है, ऑड नंबर पर ख़त्म हो, यानी वित्र आखिर नमाज हो। तो वित्र आखिर पढ़ना रिकमेंडेड है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपनी रात की नमाजों को ताक कर लो, वित्र कर लो, ठीक है। तो वित्र के बाद आपको नवाफिल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन किसी वजह से कोई नफल आपको वित्र पढ़ने के बाद पढ़नी पड़ जाए तो पढ़ सकते हैं, पढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि वो इवन नंबर ऑड के साथ प्लस होके भी ऑड ही नंबर आएगा, ठीक। जो ऑड है उसके साथ आप इवन को प्लस कर लेंगे तो अभी भी नंबर ऑड ही रहेगा। तो किसी वजह से आपको वित्र के बाद कोई नमाज पढ़नी पड़ जाए इवन नंबर में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आदत नहीं बनानी चाहिए, रात का ख़त्म आपको वित्र रकत पर ही करना चाहिए। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम, बेहद प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये, हम में से अक्सर लोग इस बात पे काफ़ी कंफ्यूज होंगे, है ना। देखिए कितना ज़रूरी था हमारा ये जानना, तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने सवाल करें। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा वक्त है कि हम लोगों की दुआ कबूल हो सकती है। सिस्टर ये क्वेश्चन है रुजैन फातिमा की ओर से, जो कि एक स्टूडेंट है, तो जाहिर है वो ये कहना चाह रही होगी कि ऐसा कौन सा वक्त है जिसमें हमें यकीन हो कि हमारी दुआ कबूल होगी। सो मैम प्लीज़ आंसर करें इस क्वेश्चन को। बच्चों का प्यारा प्यारा क्वेश्चन, स्टूडेंट हैं और जानना चाहती हैं कि ऐसा कौन सा वक्त है जिस वक्त हमारी दुआ कबूल हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 कि हमारी दुआ हर दम अल्लाह सुनता है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 186 में फरमाया, उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दआन, कि मैं हर पुकारने वाले की पुकार को, मैं हर दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ जब भी वो पुकारता है। तो उजीब वो पहले आया, जवाब अल्लाह ताला दुआ का पहले देते हैं, इधर दान बाद में आया, जब वहाँ पुकारते हम बाद में, यानी अल्लाह ताला हमारी पुकार से पहले ही हमारा जवाब दे देता है। उसको मालूम है ये बंदे के मुँह से ये निकलने वाला है, दिल से ये निकलने वाला है, अल्लाह ताला सुनता है, जवाब देता है। तो हमें से हर किसी को बहुत होपफुल होना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआएं सुनता है। लेकिन आप ज़रूर जानना चाह रही होंगी कि दुआ की कबूलियत के औकात क्या हैं। तो हाँ, कई औकात ऐसे हैं जिसमें दुआ की कबूलियत बहुत बढ़ जाती है। सारे चीज़ें हदीस की रोशनी में बताएंगे, लेकिन बस काउंट कराते चलेंगे, जो भी बात होगी वो सब के लिए हदीस मौजूद है। दुआ की कबूलियत के औकात का सबसे जो 12 महीने सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है वो है तहज्जुद का वक्त। उसके लिए बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला समाए दुनिया पर
तजल्ली फरमाते हैं, समय दुनिया पर आ जाते हैं और कहते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, हाय कोई मांगने वाला जिसको दूँ, हाय कोई मगफरत चाहने वाला जिसको माफ़ कर दूँ। तो एंड नाइट जो है, जो तहज्जुद का वक्त होता है, जिस वक्त आजकल तो रमज़ान है और सुहूर के लिए सभी जागे होते हैं, वो दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ही अहम वक्त है। दुआ की कबूलियत के लिए आजकल ही रमज़ान में इफ्तार से पहले वाली की दुआ, इफ्तार से पहले जो दुआ मांगी जाती है वो पक्का ही कबूल होती है, अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। तो इफ्तार से जस्ट पहले यानी पूरे दिन की फास्टिंग के बाद जब अल्लाह ताला के सामने बंदा गिड़गिड़ा के मांगता है कि अल्लाह पाक मुझे ये और ये चाहिए, तो अल्लाह ताला देते हैं। उसके अलावा हाँ, जुमा के दिन को एक घड़ी आती है जिसमें दुआ ज़रूर कबूल होती है। ज़्यादातर स्कॉलर्स के नज़दीक वो घड़ी असर और मगरिब के दरमियान आती है, ठीक है। उसके अलावा बारिश उतरते वक्त की दुआ कबूल होती है। उसके अलावा जब बारिश हो रही है तो उस वक्त भी दुआ मांगी जाए, वो कबूल होती है। और उसके अलावा आदिल हुक्मरान की दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। जो कोई लीडर हो लेकिन आदल वाला हो, उसकी दुआ कबूल होती है। उसके अलावा मज़लूम की दुआ बद्दुआ कबूल होती है, इसलिए मज़लूम की हाय से बिल्कुल बचें। यानी मज़लूम हालत ज़ुल्म में अगर दुआ कर देगा कि सामने वाले के डिस्ट्रक्शन की, तो बस वो बादलों के ऊपर उठा ली जाती है। उसके अलावा सफ़र की हालत में दुआ कबूल होती है, और वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में बहुत कबूल होती है। ये सारे दुआ की कबूलियत के भी कुछ औकात अल्लाह ताला ने हमें स्पेशल दे रखे हैं, स्पेशल कि उस टाइम पर तो हम मिस ही नहीं करें। और इन जनरल हमें अल्लाह ताला से इतनी उम्मीद होनी चाहिए कि वो हमारी बात को सुनता है और कबूल करता है। लिहाजा आप एनी टाइम भी ओन वर्ड्स में, ज़रूरी नहीं है प्रोफेटिक वर्ड्स में या कुरानिक वर्ड्स में ये दुआ मांगें। आपको अरबी नहीं आती तो नुमान अली खान ब्रदर कहते हैं अल्लाह ताला को उर्दू आती है, तो आप उर्दू में अपनी जो मदर टंग है उसमें मांग लिया करें। तो इस तरह दुआ की कबूलियत के कुछ अहम औकात भी हैं, और इन जनरल भी अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। जी जी, अजान अजान और इकामत के दरमियान भी दुआ कबूल होती है। तो अज़ान जब कॉल दी जाए और इससे पहले की इकामत हो, अज़ान के बाद वाली जो दुआ है सुन्नत की वो पढ़ के उस वक्त भी दुआ कर सकते हैं। उसके अलावा भी और औकात हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इतने काफ़ी होंगे आपके लिए अपनी दुआओं को अल्लाह के सामने रखने के लिए। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम। जब बात हो रही है बच्चों की, तो मैं आपको तक़वा इस्लामिक स्कूल के बच्चों के बारे में भी बताती चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तक़वा इस्लामिक स्कूल के बच्चे CBSE बोर्ड में 98% तक ला रहे हैं। जहाँ तक हम लोग तरबियती मिशन लेकर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बल्कि इन्हेंसमेंट होता आया है। तस्किया सेशंस स्टार्ट होने के बाद बच्चों में बाअमल होने का परसेंटेज और बेहतर होता चला गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बच्चे हमारे स्कूल से फारिग होकर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को हक़ की तरफ बुलाना और समाज में फैली बुराइयों से रोकने का काम इतनी छोटी सी उम्र में ही शुरू भी कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तक़वा इस्लामिक स्कूल एकेडमिक्स में भी अपनी हाइट को दिन ब दिन बढ़ा रहा है, और जो हमारा विजन और मिशन है उसमें भी अल्लाह ने हम लोगों को कामयाबी से नवाजा है। हम लोग अभी तक जहाँ ग्राउंड और स्पोर्ट्स के लिए लैकिंग थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम इस सेशन से स्पोर्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, ताइक्वांडो क्लासेस की शक्ल में एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ताकि ये उभरती हुई जनरेशन आने वाले खतरात का सामना कर सके और हमारे बच्चों में सेल्फ डिफेंस पैदा हो सके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप और आपके रिलेटिव्स और आपके नेबरहुड में और भी बच्चे फिज़िकली, मेंटली, मॉरली और स्पिरिचुअली भी ग्रो करें, तो ये बात दूसरों तक भी पहुँचाएँ। कितना होलसम डेवलपमेंट के लिए कौन सा सेकेंड ऑप्शन है? तो जब हर एक चीज़ अंडर वन रूफ मिल रही है, तो तक़वा के अलावा दूसरा ऑप्शन क्यों? तो एडमिशन्स तक़वा इस्लामिक स्कूल में अभी भी हो रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो, वो फर्दर डिटेल्स के लिए ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग फास्टिंग इज इट अलाउड टू इनटेक एनी काइंड ऑफ इंजेक्शंस एक्सेप्ट विटामिंस? ये सवाल है सिस्टर शफक फातिमा की तरफ से,
जो कि बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं। सवाल किया गया है कि रोज़े की हालत में कोई इंजेक्शन लगवा सकते हैं क्या विटामिन्स के अलावा? जी हाँ, विटामिन्स के इंजेक्शन के अलावा जो ड्रग्स इंजेक्शन्स होंगे वो लगवा सकते हैं। और जब ये सवाल शेख बिन बास से पूछा गया तो उन्होंने भी जवाब में ही फतवा दिया कि सारे इंजेक्शन लगवा सकते दवा की तरह, चाहे वो इंट्रावेनस हो चाहे इंट्रामस्कुलर हो, दोनों तरह के इंजेक्शन अगर दवा की शक्ल में लगवाना है तो लगवा सकते हैं। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी जवाब में ही फतवा दिया है कि मेडिसिनल पर्पस का इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन एनर्जी का, खुराक का और मल्टीविटामिन का ये इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। और स्टैंडिंग कमेटी का भी यही फतवा है कि अगर दवा की शक्ल में इंजेक्शन जाना है तो वो इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर दोनों लगवा सकते हैं, लेकिन वो जो इंजेक्शन जो खाने का बदल होते हैं वो इंजेक्शन्स कोई भी नहीं लगवा सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो शरीयत में जो चीज़ों का इंटेक मना है वो मुंह से जाने वाली चीज़ें और फर्ज से शर्मगाह से जाने वाली चीज़ों के लिए मना किया गया है, लेकिन स्किन से जाने वाली चीज़ों के लिए मना नहीं किया गया है। जैसे जब गुस्ल आप करते हैं ना तो कुछ ना कुछ स्किन से पानी अंदर भी पहुंचता है, ठीक है? तो स्किन से जो चीज़ अंदर पहुंच रही है, तेल भी लगाना आपको अलाउड है ना सर में, और जब आप सर में तेल लगवाती हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा तेल अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो स्किन से मतलब बॉडी के अंदर दाखिल होने वाली चीज़ के लिए रोज़े की हालत में मना नहीं किया गया है। लेकिन इंजेक्शंस भी उसी में आ रहे हैं, स्किन से अंदर जा रहे हैं, चाहे इंट्रावेनस हो इंट्रामस्कुलर हो अंदर जा रहा है, लेकिन वो अगर खुराक का बदल हो, नरिशमेंट उससे मिलता हो, मल्टीविटामिन है या किसी वो डेक्सट्रोज है या कोई मेडिसिन डेक्सट्रोज के अंदर डाल के लगवाएं तो भी नहीं अलाउड रहेगी, ठीक है? या ड्रिप लगवाना चाहते हैं तो डेक्सट्रोज जो भी जाएगा और उसमें मेडिसिन डाल के कहें कि ये ग्लूकोज में ही डाल के मेडिसिन ली जा सकती है इसलिए ये ड्रिप लगवाना ज़रूरी है, तो नहीं। स्कॉलर्स ने सेफर साइड के लिए कहा है कि अगर रात तक मतलब इफ्तार कर लेने तक रुका जा सकता है देन इट इज़ प्रेफरेबल, चाहे ड्रग्स वाला इंजेक्शन भी हो। सेफर साइड ये है कि इफ्तार तक रुक सकते हैं तो रुकें, नहीं रुक सकते और इमरजेंसी है कि दिन के में किसी वक्त लगवाना इंजेक्शन तो लगवा सकते हैं ड्रग्स पर्पज़ से, लेकिन नरिशमेंट पर्पज़ से नहीं। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे और जिस मिशन को लेकर आप खड़ी हुई हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने में अल्लाह सुबहान व तआला आपकी मदद करे और अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल करे और आपकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब करे, आमीन या रब्बल आलमीन। और यकीनन आज के इस सवालो जवाब सेशन से हमारे इल्म में इजाफ़ा भी हुआ होगा और आइंदा के दिनों में हम इस दीन को, हम टूवर्ड्स इस्लाम इस दीन को बआसानी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे मैम के इन जवाब से। मैं बताती चलूँ कि सवालात तो और भी हैं लेकिन आप सब रोज़ा भी होंगी और वक्त की कमी की वजह से हम मज़ीद सवाल शामिल नहीं कर सके, तो मैं माजरत चाहती हूँ उन बहनों से जिनका सवाल हम नहीं ले सके हैं। और अगर आप उन सवालों के जवाब लेना चाहती हैं तो तक़वा इस्लामिक स्कूल मेन बिल्डिंग यानी कि इसी जगह से अपने सवालों के जवाब ले सकती हैं इंशाल्लाह। मैं मशकूर हूँ आप सभी ख़वातीन की कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आएं और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई करे और हम सब का यहाँ आना, बैठना, कहना और सुनना कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा रमज़ान पिछले तमाम रमज़ान से बेहतर हो, हम अपने रब को राज़ी करके जन्नत के उम्मीदवार बन जाएं, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।